हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3X फ़ोन है, तो वीवो T3X फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में लाइव वॉलपेपर्स वगैरह को कैसे सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और कैसे लाइव वॉलपेपर्स वगैरह अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर फ़ोन में लाइव वॉलपेपर्स को कैसे सेट कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं, देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं जिसमें स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पर जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो लाइव वॉलपेपर्स को आप कैसे सेट कर सकते हो, कर पाएंगे अपने फ़ोन में और कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है जिसमें से आपको जाना होगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स पे। तो लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स पे जाकर लाइव वॉलपेपर्स को आप फ़ोन में लगा सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में और यूज़ भी कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है वॉलपेपर्स, तो यहाँ से लाइव वॉलपेपर्स लगाना चाहते हैं अप्लाई कर देंगे और यहाँ से होम स्क्रीन बहुत स्क्रीन पर लगा सकते हैं। तो आप लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो लाइव वॉलपेपर्स आपके स्क्रीन पे लग जाएगा और कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन की स्क्रीन पे शो करेगा। तो इस तरीके से भी लाइव वॉलपेपर्स को लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रेस करके यहाँ से डायरेक्टली सेटिंग्स पे जा सकते हैं और डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाकर यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं लाइव वॉलपेपर्स को, और आपके फ़ोन पर लाइव वॉलपेपर्स लग जाएगा, सेट हो जाएगा, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। लाइव वॉलपेपर्स भी लगा सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियोस देखते हैं।